हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टॉपिक आपको प्लस टू क्लास में भी मिल जाएगा, ये आपको बीएससी फर्स्ट में भी मिल जाएगा। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बोथ एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर नीट। जो दोज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? ये प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। स्पर्मेटोजोआ के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजोआ बनते किससे हैं? ये बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल मेल गैमेट्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो गाइस होता है 74 डेज। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसका टाइम पीरियड जनरली 74 डेज होता है। सो जो ह्यूमंस होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, पर कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं जैसे काऊ हो गया, बैट हो गया, उनमें क्या होता है, ये ब्रीडिंग सीजन में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे होता क्या है, जो टेस्टिस हैं वो डिसेंट डाउन हो जाती हैं, किसमें? स्क्रोटल सैक में। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है नीट यूजी के लिए कि ह्यूमन मेल्स में जो होता है वो टेस्टिस डिसेंट डाउन कब होती है स्क्रोटल सैक में? ये होती है 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जब भी वो अपने माँ के पेट में होता है तब जो 7th मंथ होता है जेस्टेशन पीरियड का, उस टाइम पे जो होता है टेस्टिस डिसेंट डाउन हो जाती है स्क्रोटल सैक में। ये होता है किसकी वजह से? ये टेस्टोस्टेरोन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो होता है टेस्टिस डिसेंट डाउन हो जाती है स्क्रोटल सैक में। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो मैकेनिज्म में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, नेक्स्ट इज स्पर्मियोजेनेसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू रैपिड डिवीजन स्पर्मेटिड्स में, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो स्पर्मेटिड से बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटिड्स का वो होता है 3 फेज में। अब इनके फेज क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। नेक्स्ट इज स्पर्मियोजेनेसिस के 4 फेज होते हैं, गोल्जी फेज, कैप फेज, एक्रोसोमल फेज, मैच्योरेशन फेज। सो स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्म्स बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होते हैं जिन जो कि डिप्लॉयड होता है प्लॉयडी में, वो क्या करता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, माइटोसिस होता है यहाँ पे, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनियाज में। अब स्पर्मेटोगोनिया होते हैं 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, जो कि आगे जाके स्टेम सेल्स का काम करते हैं। नेक्स्ट होते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ना, ये बेटा ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं। अब ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है यही स्पर्मेटिड्स आगे जाके बनाएंगे। सो ग्रो फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, वो होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। देन जो होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो ग्रोथ फेज में चला जाता है। इसे करैक्टराइज किया जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो इंक्रीज हो जाता है, सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसे हम ग्रोथ फेज में देखते हैं। सो जो अब स्पर्मेटोगोनिया था ना, वो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी प्लॉयडी भी 2n है, यानी कि ये भी ये डिप्लॉयड है। अब ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 से क्या होगा, मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि जो प्लॉयडी पहले 2n थी अब वो n हो जाएगी। तो अब ये जो n हो गई है, ये इन सेल्स को, जब ये सेल डिवाइड हुए हैं इनकी प्लॉयडी हैप्लॉयड हो गए हैं, इन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फर्दर डिवाइड करेंगे, मियोसिस टू में एंटर करेंगे। अब मियोसिस टू क्या होती है? इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये चार स्पर्मेटिड्स बना देंगे। तो ये जो चार स्पर्मेटिड्स बने हैं ये राउंड शेप में होंगे, इनके अंदर जो है वो होगी हैप्लोइड, ये इनकी प्लॉयडी हैप्लोइड है, ये एन नंबर के हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो होता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है। जो स्पर्मियोजेनेसिस हैं उसमें होते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही श्रिंक हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या बनाता है बेटा? एक्ट्रोसोम बनाता है स्पर्म्स का। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बेटा स्पर्म्स के अंदर स्पाइरल रिंग बना लेते हैं। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है स्पर्म के अंदर। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं तो ये कहाँ कन्वर्ट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल्स। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है नीट के अंदर कि जो स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ बनते हैं? वो साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टोली सेल्स, वो सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में बनते हैं। मेच्योर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है जी। जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन के अंदर, उसे हम स्पर्मिएशन कहेंगे। अब एक जो टेस्टिस होती है अडल्ट मेल की, वो एक टाइम पे 120 मिलियन स्पर्म्स बना देती है, यानी कि रोज 120 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल्स टेस्टिस। अब इसका जो कंट्रोल होता है वो होता है न्यूरोजेनेटिक। अब हमारे नर्वस सिस्टम से भी इसका कंट्रोल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो सिग्नल पहुंचाती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब वो सिग्नल पहुंचाती है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। जो फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस पर एक्ट करते हैं, एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करते हैं। देन जब ये इनका काम हो जाता है, ये एक इनहिबिटरी सिग्नल भेजते हैं किसको? हाइपोथैलेमस के अंदर। सो ये है न्यूरल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस। तो दो टाइप्स के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। 50% होते हैं एंड्रोस्पर्म्स यानी कि वाई क्रोमोजोम्स, एंड 50% जिम्नोस्पर्म्स यानी कि एक्स क्रोमोसोम। आपको जैसे ही पता है जो मेल होता है ह्यूमन मेल, उसकी जो प्लॉयडी होती है वो होती है एक्स वाई, यानी कि जो जब भी स्पर्म्स बनेंगे तो 50% जो होंगे वो होंगे एक्स क्रोमोसोम, एंड 50% जो होंगे वो होंगे वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। अब इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी प्रोसेस की सिग्निफिकेंस है कि ये प्लॉयडी जो होती है उसको मेंटेन करता है, ये हैप्लॉयड स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ऑब्वियसली वेरिएशंस तो होंगे ही, एंड दिस वेरिएशंस आल्सो लीड्स टू एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी प्रूव करता है ये, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक यू।